नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जो चेंजेस हुए हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनअकैडमी में, कि 3 मंथ का भी आप लोगों ने सुना था कि कोर्स अब मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज़ पर मंथ, 833 रुपीज़ पर मंथ 3 महीने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है, और 6 महीने के लिए अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं तो आपको 667 पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, 12 महीने के लिए ये मिलेगा 417 पर मंथ, यानी कि इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड यानी मेरे चैनल का जो नाम है सुनील जोशी जी, अगर आप उसमें रिफ़लर कोड में एक साथ लिख के डालेंगे तो 10% ऑफ वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो एक सामान्य जो कोचिंग सेंटर की फ़ीस होती है उससे कई गुना कम आपको जो है यहाँ पे चार्ज देने पड़ते हैं। और आप लोगों को फिर बेनिफिट क्या क्या है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है आपको TET 2019 की पूरी तैयारी, कोर्स की सारे सब्जेक्ट वन बाय वन सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। और आप लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड के जो हमारे इंडिया है इसके टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे अलावा टॉप एजुकेटर्स भी पढ़ाएंगे। आप किसी भी क्लास किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सस्ता आप लोगों को एक कोर्स मिल रहा है, और MCQs टेस्ट सीरीज़ होती हैं इसमें, और कोई ऐड फ्री लेसन होते हैं। यूट्यूब में जैसे वीडियो में ऐड आ जाता है बीच में, बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको ऐड भी नहीं यहाँ पर नहीं आता है, और डायरेक्ट इंटरेक्शन आप लोगों का होगा। ठीक है, जो भी एजुकेटर आपको पढ़ाएगा डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन, डायरेक्टली अपना कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हर 3 लेसन्स के बाद, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं कोई भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। और अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो ई बुक स्टडी मटेरियल सारा अवेलेबल रहता है ऑफलाइन, आप उससे बाद में भी क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अन्य वीडियोज़ में मैंने इसमें डिटेल्स में बताया है, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए और एक और रोचक जानकारी इसके बारे में बताना चाहूँ कि 150 क्वेश्चंस जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, केवल अनअकैडमी में हैं, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जब भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे यू प्लस कोर्स को। आपके आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसमें से बहुत सारे, क्योंकि ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं। मॉक टेस्ट होगा 150 क्वेश्चंस का, वो आपको सेपरेटली जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सन 2018 में मैथमेटिक्स सेकेंड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके पैडागॉजी के क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। ये अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित गणनाओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, यह गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो ये है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थर्ड इसका सही उत्तर होगा कि जो अशिक्षित दुकानदार है, ठीक है, इलिटरेट शॉपकीपर है, उसके जो समस्या समाधान हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में आप कक्षा में शिक्षकों द्वारा जो उसकी चर्चा की जानी चाहिए कि वो कैसे अशिक्षित होने के बावजूद गणनाएं कर पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो यहीं पे हमारा उत्तर निकल के आ गया दोस्तों कि अलग अलग जो क्षमता वाले बच्चे हैं उनको एक साथ सकें रखेंगे तो एक दूसरे में सीखने के, ठीक है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक शिक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, या गणना के लिए बच्चों की लघु विधियाँ बताई जाएँ। तो यहाँ पर जो है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में जो टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, तो इसलिए जो है सीखने के प्रतिफल को बताया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर हो गया पहला, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा सैंपल से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, या शिक्षक समझ चाहते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें।
तो जो बच्चे अन्वेषण में लगेंगे यानी एक्सप्लोरेशन में एंगेज होंगे तो तब कहा जाएगा कि कक्षा में गतिविधि हो रही है। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। अगला है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छ रूप से पढ़ना, समूह बनाना या एक एक संगतता। तो यहाँ पे बच्चों के बीच गिनती को विकसित करना है तो उसमें क्या ज़्यादा यहाँ पे सही नहीं है, तो यह है 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, एक एक संगतता। ठीक है, अगला है, एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बच्चे ने किसी बंदाकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने किया बच्चे ने किसी बंदाकार के क्षेत्रफल में सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। तो यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर आप लोगों को मिल गया कि हर कोई गणित सीख सकता है, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक सत्य कथन है, बाकी सही नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए पहले क्या कि एक सीट जो है वितरित की सबको और समकोण वाले 4 जो त्रिभुज हैं वो खींचे गए थे उसमें। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के अलग अलग आकृति के जो हैं त्रिभुज, इस तरह से या इस तरह से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज जो हैं उन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या यहाँ पे क्या निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि? तो यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर हो गया आगमन विधि, क्योंकि उदाहरण से समझा रहे थे, पहले उन्होंने उदाहरण दिए बच्चों को, तो इंडक्टिव मेथड होगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए? संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है? संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है? संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं को और उन्हें जोड़ने वाले लिंकों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरा, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्योंकि आज पेडागोजी के क्वेश्चन हम अभी हल कर रहे हैं, कुछ दिनों में दोस्तों एक आध दिनों में मेरे पास पेंटैब आ जाएगा इस हफ्ते लगभग, तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास है, गणितीय अवधारणा को समझना है। तो यहाँ पर जो गणित की समस्याएं हैं, ठीक है, उनका जवाब देने में सटीकता के रूप में इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गणित जो है आप गणित बच्चे अपनी जो है मिस्टेक से भी सीखते हैं। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास के क्रम में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना या भाषा के माध्यम से सीखना? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद चित्र बनाएंगे, ठीक है, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर थर्ड किस में है, थर्ड जो 2 ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड में, और अब आपने देखना होगा कि अगला जो है फर्स्ट किस में, तो थर्ड में है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया तीसरा। अगला है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, 83-27 इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा 64। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है, कि बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है, या बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, यह गलती और बार बार अभ्यास करके इसको सुधारा जा सकता है, या बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है? तो यहाँ पर देखिए, बच्चे ने जो 4-7 में से एक, मतलब इसमें से उसने एक हासिल लेना था 8 से 13 में, लेकिन उसने क्या किया, 7 में से ही 3 को घटा के नीचे 4 लिख दिया, तो उसे स्थानीय मान के बारे में जो है धारणाएँ गलत हैं। ठीक है, कि पहले कैसे हल करना है इसके बारे में नहीं पता, उसे स्थानीय मान की धारणा गलत है, तो चौथा इसमें हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, अधिगम आकलन के चक्र में निम्नलिखित में से
जो सही चक्र है उसको क्रम व्यवस्थित करना है आपने। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, फिर है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास और बच्चे के अधिगम और प्रगति की प्रकृति पुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है, शिक्षण और अधिगम आकलन की योजना। दूसरा आएगा तो ऑप्शन में देखेंगे आप, तो दूसरा एक तो थर्ड में और फोर्थ में है, तो फर्स्ट और सेकंड तो सीधे सीधे गलत हो गए, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। योजना बनाई, योजना के बाद आप जो है अगर फोर्थ देखें तो थर्ड ऑप्शन के हिसाब से रिपोर्ट का संचार आप उस इसमें नहीं करेंगे, पहले आप एकीकृत आकलन करेंगे, ठीक है, उसके बाद विकास करेंगे जो आपने प्रगति रिपोर्ट बनाई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का डेवलप करेंगे, उसके बाद ही आप जो है प्रतिपुष्टि करेंगे और उसका संचार करेंगे। तो आपका जो फोर्थ वन है आंसर वो सही होगा, ठीक है। सबसे पहले आप शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे, उसके बाद शिक्षण अधिगम के लिए एक आकलन करेंगे, उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे और बच्चों की प्रगति को उनकी प्रतिपुष्टि करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसका संचार करेंगे। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो चौथा है, कि जो रोमन अंक है वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इनका जो उपयोग करके आप गणना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 100 को 4 बार गुणा करना है तो सी 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 ऐसे लिखना पड़ेगा, 50 को करना है तो एक्स वी या जिस तरह से भी एल एल सी जो भी होते हैं उनको लिखना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आप जो है उससे गिनती करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगला है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वह डब शराट खेलने का आनंद लेते हैं, बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, यह एक उपयोगी होती है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार के उदाहरणों को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो सही उत्तर है वो दूसरा हुआ कि ये क्या है कि अनौपचारिक रूप से, ठीक है, बच्चों को जो अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करके, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है और उसके बारे में जो है आकार को समझ के है उनकी गहन बनाता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया दूसरा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 63 क्वेश्चंस में जितने भी पैडागोजी के क्वेश्चन थे आज मैथमेटिक्स के वो सॉल्व किए, और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। पहला बार अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचते रहे टाइम पर, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आप लोगों के क्लोज हैं, नज़दीक हैं, तो ऐसे में रोचक वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। कोई सजेशन हो, कमेंट हो तो आप लोग बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस कोर्स को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के और आने वाले टीचिंग एग्जाम्स की। सो फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।